तो चंदनकारी पुलिस ने अमलाबाद से अवैध कोयला से लदे एक ट्रक को जब्त किया है। छापेमारी के दौरान ट्रक चालक ने पुलिस के सामने कोई भी कागजात नहीं दिखाया, जिसको लेकर पुलिस ने मालिक और चालक समेत कई लोगों पर कोयला तस्करी का मामला दर्ज किया और पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। तो देखिए, लगातार इस तरह की खबरें आ रही कोयलांचल से, जहां पर बिना कागजात के धड़ल्ले से इसी तरीके से कोयले का अवैध कारोबार होता है। गाहे बगाहे जब ये पकड़ में आते हैं तो कलई सामने आती है, खुल जाता है पूरा मामला कि बिना कागजात के ही ये तमाम ट्रक धड़ल्ले से कोयले की चोरी में शामिल रहते हैं। और इसी कड़ी में चंदनकियारी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की, छानबीन की, तो कोई कागजात नहीं था, यानी कुल मिलाकर यह अवैध कोयला था। और पुलिस ने मालिक ट्रक के और जो चालक थे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में जुटी। मालिक और चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। हालांकि मामले दर्ज होते हैं लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अवैध कोयले के तस्करों में किसी तरह का डर है, प्रशासन का कोई खौफ है। उन्हें लगता है कि गाड़ी जब्त हो गई, कोई बात नहीं, इतना हम कमा चुके हैं, फिर से वो गाड़ी खरीदते और फिर से धंधे में लग जाते हैं। ये दुर्भाग्य कोयलांचल का, जिसमें सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हमेशा होते रहता है, लेकिन ये धंधा बदस्तूर जारी है। बीच बीच में कार्रवाइयां होती है। सवाल है कि जिस तरीके से दिन दहाड़े, कभी रात में, कभी घने जंगलों का माध्यम लेकर, घने जंगलों के रास्ते ये तस्कर अपना धंधा करते, ऐसे में हर एक जगह पर पुलिस का पहुंचना भी नामुमकिन ही होता है, लेकिन फिर भी पुलिस वहां पर लगातार काम कर रही होती है। और इसी कड़ी में ये बात सामने आ जाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।